भाग्यश्री एक्ट्रेस बायोग्राफी। महाराष्ट्र के एक रॉयल फैमिली में जन्मी बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री भाग्यश्री का जन्म 23 फेब 1969 को सांगली महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी उम्र 53 वर्ष है। भाग्यश्री ने भले ही हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था, लेकिन उन्होंने भारत के अलग अलग भाषाओं में फिल्में की हैं, जिसमें मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल, कन्नड़, भोजपुरी भाषा शामिल है। भाग्यश्री ने बॉलीवुड के अलावा टेलीविज़न पर भी धारावाहिक में काम किया है और यह बांग्लादेशी फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। भाग्यश्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के कई अलग अलग स्कूलों में पूरी की। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के ही कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की है। भाग्यश्री फिल्मों के अलावा कई प्रकार के सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हैं और वह महाराष्ट्र सरकार के कई अलग अलग कार्यक्रमों की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को टक्कर देने वाली भाग्यश्री की लंबाई 5 फीट 4 इंच है। इनका वजन 55 किलोग्राम है। 53 साल की हो चुकी भाग्यश्री का फिगर आज भी बेहद लाजवाब है और उनके फिगर का साइज 34, 28, 34 है, जिनकी वजह से इनकी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी वे बेहद हॉट नज़र आती हैं। भाग्यश्री के पिता का नाम विजय सिंह राव माधव राव पटवर्धन है और वह महाराष्ट्र के सांगली के राजा थे। वहीं उनकी माता का नाम राजलक्ष्मी पटवर्धन है। भाग्यश्री की दो और बहनें हैं जिनका नाम मधुवंती पटवर्धन और पूर्णिमा पटवर्धन है, जो कि भाग्यश्री की तरह ही बेहद खूबसूरत हैं। भाग्यश्री बहुत ही खूबसूरत है और वह एक राजकुमारी है। सुपरस्टार सलमान खान के साथ भी उनका नाम जुड़ चुका है। भाग्यश्री ने 1990 में मशहूर बिजनेसमैन हिमालय दासानी के साथ काफ़ी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी कर ली और इन दोनों की एक बेटी और एक बेटा है। इनकी बेटी का नाम अवंतिका दासानी है, जिनका जन्म 1995 में हुआ था और यह भाग्यश्री की तरह ही बहुत खूबसूरत हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। वहीं भाग्यश्री का एक बेटा भी है जिनका नाम अभिमन्यु दासानी है और वह बॉलीवुड के जाने माने फिल्म अभिनेता हैं। 2019 में रिलीज़ हुई उनकी फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता काफ़ी फेमस हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 2019 में फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड मिला था। भाग्यश्री सबसे पहली बार 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले मशहूर धारावाहिक कच्ची धूप में नज़र आई थी और यह धारावाहिक उस वक्त काफ़ी फेमस हुआ था। एक एक्ट्रेस के तौर पर भाग्यश्री ने 1989 में सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म ने उन्होंने सुमन नाम के मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। इस फिल्म की सफलता के बाद भाग्यश्री ने हिमालय दासानी के साथ शादी कर ली और 1990 में उनकी 3 फिल्में रिलीज़ हुई, जिसमें कैद में है बुलबुल, त्यागी और पायल थी। 1993 में ये फिल्म घर आया मेरा परदेसी में नज़र आई थी, जो कि काफ़ी मशहूर फिल्म थी। हिंदी फिल्मों में सफलतापूर्वक काम करने के बाद उन्होंने 1998 में तेलुगु फिल्म युवा रतन राणा से तेलुगु फिल्मों में डेब्यू किया था। भाग्यश्री ने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर मशहूर टेलीविज़न शो CID और कभी कभी में के भी कई एपिसोड में अभिनय किया है। इन्होंने पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म संतोषी माँ में 2003 में बेहतरीन किरदार निभाया था। इसके बाद ये फिल्म हमको दीवाना कर गए हैं में 2006 में और रेड अलर्ट फिल्म में 2010 में नज़र आई थी। इन फिल्मों में काम करने के बाद भाग्यश्री ने अपने करियर में कुछ दिनों तक किसी भी कार्यक्रम में काम नहीं किया, लेकिन 2006 में वह टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक लौट आओ त्रिशा में नज़र आई। इसके बाद वह एक कन्नड़ फिल्म में भी अभिनय करते हुए दिखी थी, जिसके बाद उन्होंने 2014 में रिलीज़ हुई प्रसिद्ध फिल्म 2 स्टेट्स में अभिनय किया था। भाग्यश्री अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं और मशहूर अभिनेता प्रभास की फिल्म राधे श्याम में उनकी मां का किरदार निभाते हुए नज़र आई थी। भाग्यश्री की पसंदीदा चीज़ें एक्ट्रेस श्रीदेवी, एक्टर ऋषि कपूर, गाना तेरे मेरे होंठों पे,
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।